हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक। इनको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे या कंप्यूटर से रिलेटेड तैयारी कर रहे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है? कंट्रोल ए इज़ यूज्ड फॉर, जो ही आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करोगे कीबोर्ड में तो क्या सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट्स हो, इमेज हो या कोई भी पैराग्राफ हो, वो क्या सारा एक ही साथ में सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल प्लस बी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस बी जो ही आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो बोल्ड आ जाएगा, यानी जो भी आपने पैराग्राफ से लिखा होगा या वर्ड्स कोई लिखा होगा, अगर आप चाहोगे कि उस वर्ड्स या पैराग्राफ्स को थोड़ा मोटा करा जाए तो उसके लिए आप क्या कंट्रोल प्लस बी प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड में। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी, यानी सबसे पहले आपने एक पैराग्राफ्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप कंट्रोल सी करोगे तो जो भी आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ होगा या कोई भी वर्ड्स, वो क्या कॉपी हो जाएगा। और कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट, यानी उस पैराग्राफ्स को अगर आप दूसरी किसी जगह सेव करना चाहोगे तो कंट्रोल वी प्रेस करोगे। ये हम आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल प्लस डी से हम क्या करते हैं? फ़ॉन्ट स्टाइल, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल्स को हम चेंज कर सकते हैं एमएस वर्ड्स में, एक्सेल्स में या पावर पॉइंट्स में। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल प्लस ई से हम क्या करते हैं? सेंटर्स, अगर आप अपना पैराग्राफ चाहोगे कि सेंटर आपकी स्क्रीन जो होगी उसके सेंटर में आ जाए तो उस टाइम आप क्या कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे। कंट्रोल प्लस एफ हम किसके लिए यूज़ करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फाइंड्स, किसी भी वर्ड्स को या किसी भी फाइल्स को अगर आप सर्च करना चाहोगे तो उसके लिए आप क्या कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करोगे। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल प्लस जी आप किसके लिए यूज़ करोगे? राइट आंसर होगा गो टू। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल प्लस एच किसके लिए हम यूज़ करते हैं? रिप्लेस, किसी भी अगर वर्ड्स को आप रिप्लेस करना चाहोगे तो उस टाइम से आप क्या कंट्रोल प्लस एच यूज़ करोगे। कंट्रोल प्लस आई से क्या होगा? तो राइट आंसर क्या होगा? इटैलिक्स, अगर आप किसी भी वर्ड्स पैराग्राफ्स को चाहोगे कि इसका थोड़ा स्टाइल्स अलग करा जाए, थोड़ा टेढ़ा आ जाए, तो उस टाइम से आप क्या कंट्रोल प्लस आई का यूज़ करोगे। कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस के हम किसके लिए यूज़ करते हैं हमारे कीबोर्ड्स में? इंसर्ट हाइपरलिंक्स, अगर आप किसी भी एप्लीकेशंस का लिंक इंसर्ट करना चाहोगे उस टाइम्स आप क्या कंट्रोल प्लस के यूज़ करोगे। कंट्रोल प्लस एल हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लेफ़्ट अलाइंस, मान लो आप एमएस वर्ड्स में काम कर रहे हो और आपने कोई पैराग्राफ्स लिखा होगा, आप चाहोगे कि इस पैराग्राफ्स को लेफ़्ट साइड से हम रखेंगे तो उस टाइम्स आप क्या कंट्रोल प्लस एल प्रेस करोगे। कंट्रोल प्लस एम हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इंडेंट के लिए। कंट्रोल प्लस एन किसके लिए यूज़ करते हैं हम? किसी भी न्यू कमांड्स को सर्च करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते हैं। कंट्रोल प्लस ओ इज़ यूज्ड फॉर, ओ से किसी भी हम फाइल्स को अगर ओपन करना चाहेंगे या किसी भी फ़ोटो फोल्डर्स को अगर हम ओपन करना चाहेंगे तो उस टाइम्स क्या कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे हम। कंट्रोल प्लस पी से आपको पता ही होगा, कंट्रोल प्लस पी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? प्रिंट्स के लिए, आपने अगर किसी इमेज या किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना चाहोगे उस टाइम्स आप क्या कंट्रोल प्लस पी प्रेस करोगे तो आपके पास एक प्रिंट प्रीव्यूज ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस क्यू हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इनवर्स इंडेंट्स के लिए। कंट्रोल प्लस आर हम किसके लिए यूज़ करते हैं? रोलर्स के लिए, अगर आप चाहोगे आपकी स्क्रीन्स में ग्राफ जैसा दिखेगा तो कंट्रोल प्लस आर जो ही आप प्रेस करोगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या रोलर्स आ जाएंगे। और अगर आप दोबारा Ctrl+R प्रेस करोगे रोलर्स क्या ख़त्म हो जाएंगे। Ctrl+S हम किसके लिए यूज़ करते हैं? राइट आंसर क्या होगा? सेव। किसी भी फाइल्स या फोल्डर्स इमेज को अगर सेव करना चाहोगे तो Ctrl+S आप प्रेस करोगे। Ctrl+T हम किसके लिए यूज़ करेंगे? हैंगिंग्स इंडेंट। Ctrl+U किसके लिए हम यूज़ करते हैं? अंडरलाइंस। मान लो आपने कोई पैराग्राफ्स लिखा होगा या कोई हेडिंग्स आपने लिखी है, आप चाहोगे कि इस हेडिंग्स को हम अंडरलाइंस नीचे से करें यानी हाईलाइट्स करें, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट को यूज़ करोगे? Ctrl+U। Ctrl+V हम किसके लिए यूज़ करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेस्ट के लिए। मान लो अगर आप चाहोगे कि पैराग्राफ्स में से एक दो वर्ड्स को कॉपी करा जाए और उसके बाद पेस्ट, सबसे पहले आपने उस वर्ड्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद Ctrl+C जो ही आप प्रेस करोगे तो वो क्या वर्ड्स कॉपी हो जाएगा। और अगर आप चाहोगे कि उस वर्ड्स को दूसरी किसी एप्लीकेशंस में पेस्ट करेंगे तो उस टाइम से आप क्या Ctrl+V प्रेस करोगे, उससे वो वर्ड्स पेस्ट होगा वहाँ पे। Ctrl+W हम किसके लिए यूज़ करेंगे? क्लोज़ के लिए। अगर आप किसी भी एप्लीकेशंस में आप काम कर रहे हो, आप चाहोगे कि इस एप्लीकेशंस को शॉर्टकट की से क्लोज़ करेंगे हम, तो उसके लिए आप कौन सी यूज़ करोगे? Ctrl+W की यूज़ करोगे। Ctrl+X से क्या होता है? कट। मान लो आपने कोई पैराग्राफ्स कट करना है, एक जगह से दूसरी जगह सेव करना है, और जो पहली जगह थी, जो पहला फोल्डर थे, वहाँ से आपने डिलीट से यानी करना है, तो सबसे पहले आपने क्या Ctrl+X करना है, वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अगर आप चाहोगे कि किसी दूसरे फोल्डर्स में उसको स्टोर करेंगे, और आपने क्या Ctrl+V करना है प्रेस। Ctrl+Y से क्या होता है? रीडू। और Ctrl+Z से क्या होता है? अंडू। अब हम देखेंगे 4 स्पेशल शॉर्टकट की। सबसे पहली क्या है? Ctrl+Shift+ ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का साइन है। जो ही आप अपने कीबोर्ड्स में प्रेस करोगे तो आपके पास ऑप्शन 4 हैं। राइट आंसर क्या होगा? इंक्रीज फॉन्ट साइज़। अगर आप किसी भी एप्लीकेशंस में काम कर रहे हो, आप चाहोगे कि इस एप्लीकेशंस में हम फॉन्ट साइज़ बड़ा करेंगे, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का यूज़ करोगे आप? Ctrl+Shift+< Ctrl+Shift+< हम किसके लिए यूज़ करते हैं? डिक्रीज फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ को कम करने के लिए। Windows+.R:; हम किसके लिए यूज़ करते हैं? विंडोज़ की + या सेमीकोलन्स। ओपन्स इमोजी बॉक्स। नेक्स्ट क्या है? Ctrl+Escape की। ये हमारे कीबोर्ड्स में सबसे पहली की जो होती है वो एस्केप ESC की होती है, तो इसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे? ओपन स्टार्ट बटन। अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।